हाँ डॉक्टर साहब, आज एक रेड मारी थी जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मंडी में, क्या है ये मामला, क्या लिखा उसने? आज जो है 2 बजे फूड कमीशन ज्वाइंट फूड कमिश्नर सर का मेल आया था और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि इस तरह से एक मेल है, उसको चेक करके और उसकी रिपोर्ट आज ही भेजनी है, कल वो हायर अथॉरिटीज़ को पेश करनी है। तो मैंने कंसर्न अपने सिविल सर्जन सर के संज्ञान में मामला लाया और फूड ऑफिसर को, क्योंकि रेवाड़ी थे, सिविल सर्जन सर ने यहाँ बुलाया और हम दोनों ने मिलकर के उस अनाज मंडी में स्थित एक दुकान जो के ऊपर जो छापा मारा वो पुलिस के साथ, क्योंकि वो दुकान हमें बंद मिली, क्योंकि जो भी कुछ था और हमने वो दुकान जा कर के खुलवाई, खुलवाने के बाद वहाँ से हमने दुकान की जांच करी, इंस्पेक्शन करा और सैंपल लिए वहाँ से। किस किस चीज़ के सैंपल लिए? हमने वहाँ से 4 सैंपल लिए, एक घी का सैंपल लिया, एक उस दुकान में टंकी कह लो या कुछ तरह की स्टोरेज बनी हुई थी ग्राउंड फ्लोर पे और बेसमेंट में, वहाँ से हमने खुले हुए सरसों के तेल का सैंपल लिया और बाकी जो अदर ब्रांड थी जिनके पास रखी हुई थी, एक हमने घी का लिया, एक खुले सरसों का तेल का लिया और 2 हमने दूसरे ब्रांड कंपनियों के सैंपल लिए, 4 सैंपल हमने वहाँ से लिए। हैपेड की जो पेटी में दूसरी बोतल मिली थी, ये क्या नाम है? हाँ, वो हैपेड की खाली रॉक रखी हुई थी, कुछ 2-4 कुछ पेटियाँ रखी हुई थी, उनके अंदर ही जो है हमें वो दूसरी ब्रांड की जो बोतलें मिली थी और उसमें कुछ बोतलें हैपेड की भी थी और हमने उस हैपेड की बोतल का भी सैंपल लिया जो हमें। अब क्या कार्रवाई चल रही? अब सरकार को जो कि हमें 24 घंटे का दिया गया था कि इसकी रिपोर्ट भेजनी है, आज हमने वो रिपोर्ट तैयार कर ली है, सुबह सैंपलों को डिस्पैच करके और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। शिकायत CM इंडो की थी? ये शिकायत CM साहब को थी डायरेक्ट, CM इंडो की नहीं थी और वो शिकायत पर ये कार्रवाई फूड कमीशन फूड कमीशन ने करवाई। देश विदेश की राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।